प्रणाम नमस्ते जय हिंद साथियों। बड़ा जबरदस्त राजनीतिक उफान वार्ड 13 के हर गांव में जबरदस्त कैंपेनिंग हर उम्मीदवार अपनी तरफ से दमखम लगाए हुए है। उसी कैंपेनिंग के तहत उसी कार्यक्रम के तहत वार्ड 13 के उम्मीदवार गांव बड़म्बा से भाई सतीश बड़म्बिया जो पूरे दमखम के साथ अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके साथ में गांव से बिल्कुल युवाओं का एक बहुत बड़ा काफिला और बुजुर्गों का मजबूत आशीर्वाद और साथ जो साथ लेके चल रहे हैं। आज उसी कड़ी के तहत गांव सीसर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें भाई सतीश राठी को लड्डुओं के साथ तोला जा रहा है और अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं यहाँ के बुजुर्ग। आइए थोड़ा आगे आ जाओ भाई, सतीश भाई से बात करें। सतीश भाई राम राम। राम राम जी, आप सभी दर्शकों को सतीश बड़म्बिया की ओर से हाथ जोड़कर राम राम। सतीश भाई, सीसर गांव बड़म्बा गांव के साथ लगता गांव, कितना प्यार मिल रहा है भाई? सीसर गांव और बड़म्बा गांव में कोई फर्क नहीं है, मैं आप सभी को बता दूं, सीसर ही वो गांव है जिसने सतीश को मजबूत किया है। मैं जब यहाँ एक साल पहले कैंपेन कर रहा था तो मेरे का केताऊ दादा ने मेरा तो एक बात कही थी, अग भाई तू सीसर न छोड़, सीसर तो सदा बड़म्बा का साथी बन के रहा है, तू बड़म्बा न मजबूत कर। उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उसी दिशा निर्देश के तहत मैं चलता रहा, आज आप सबके बीच में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी मातृशक्ति भी है, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवाओं की तरफ से कैसा आश्वासन मिल रहा है? युवा साथी मेरे कंधा का कंधा मिला के अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और मेरे काका ताऊ मेरे दादा रहे मजा आशीर्वाद दे के मजबूत कर रहे हैं, इनके आशीर्वाद से ही दो कदम बढ़ता चल रहा हूँ। तो आज कार्यक्रम है लड्डुओं से तोला जा रहा है, कितना बड़ा कार्यक्रम है और बुजुर्गों के। अच्छा सेब हैं बिल्कुल फ्रूट के साथ, मेरी भी गलती रहेगी, मैं मीठा खा गया भाई तो फल फ्रूट सेब के साथ भाई को तोला जा रहा है और सेहतमंद चीज जो गांव वाले ने आशीर्वाद के रूप में इनके लिए लेके रखी है, उसी तरह क्या इसी सेहतमंद बनाने के लिए क्या नशे के विरोध में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, नशे के विरोध में आप सभी को पता है मैंने एक साल हो लिया इलेक्शन लड़ते, लेकिन एक आदमी ये बता दे बस सतीश ने एक बूंद दारू की मुझे पिलाई तो मैं इलेक्शन को यहीं से छोड़ दूंगा और आगे भी 10 के 10 गांव में कहीं से आप पता करके देखना, बड़म्बा गांव में जिस जहां भी अपना एरिया है पूरे के पूरे एरिया में कहीं भी एक बूंद दारू की नहीं मैंने पी है और नहीं पिलाऊंगा। दर्शक साथियों, ये सीख लेने की चीज है, चुनाव आते जाते रहते हैं, हर 5 साल में चुनाव आता है, कहीं कैंडिडेट सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ब्लॉक समिति का चुनाव तो कहीं पंच पद का चुनाव। अपनी आन बान शान और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए नशे का प्रयोग करते हैं, युवाओं के अंदर नशे की खेप बांटते हैं। मैं दर्शक साथियों आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि जो भी उम्मीदवार आपके बीच में शराब या अन्य तरह के नशे लेके आए, अपने घर को, अपने बुजुर्गों को, अपनी युवा शक्ति को बचाने के लिए उस नशे बांटने वाले उम्मीदवार को दरकिनार करके एक शरीफ और शराफत भरे ईमानदार युवा जो युवाओं के लिए सीख और अच्छा भविष्य लेके आए, उस उम्मीदवार को वोट करने में अपना सहयोग करिए। हमारे साथ में सीसर गांव से भी बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। राम राम ताऊ। राम राम भाई। के नाम है तो? रामेश्वर भाई। तो सतीश लगातार कैंपेनिंग कर रहा है, हर गांव गांव जा रहा है, आज सीसर गांव में है और पिछले कई दिनों से दौरे के ऊपर है, गांव से कितना मजबूत सहयोग इनको मिलने जा रहे हैं? फुल पूरा पूरा फुल है मेरे का। अच्छा। राम राम। तो राम राम। के नाम? राजवीर। राजवीर सिंह जी, कितना इनको सहयोग दे रहे हो गांव से? यहाँ से तो बहुत सहयोग है और यहाँ से मतलब शराब शुरू तो देखिए चलाया कर, ये तो बात मतलब कहो और चाहना शराब तो मतलब तो कौन सा है किस पे मतलब चले जाओ शराब तो चल रहे हैं सदी इस तौर में चला ना नोट है ना ये नहीं चला हाजिर नहीं चला वो बहुत बड़ा विषय ही से नहीं चला रहे अरे कदा चला भी रहा शराब शुरू वाली तो बात तो छोड़ो और चलो। एक और ताऊ जी हैं बिल्कुल हमारे हरियाणा की जो आन बान शान धोती और पगड़ी जो हमेशा से एक स्पेशल जो हमारा पहनावा रहता है और किसान आंदोलन के बहुत बड़े सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में हमारे साथ मौजूद है। राम राम अंकल। राम राम। क्या नाम? रामफल। रामफल जी, उम्मीदवार
आपने देख लिया, जांच परख लिया, अब इनका भविष्य किस तरफ जा रहे हैं? भविष्य बिल्कुल सही रहेगा इनका, अरे सही काम करेंगे, अरे बहुत गांव से ने इनको गांव के पूरा सौदा साथ में लगा इनके। तो इनके कारण में पता है कैसा आदमी है, मेरा तो बड़म बहुत भारी लिंक है, ठीक है बिल्कुल। प्रधान जी ने बता दिया सराफत और व्यक्तित्व को वोट, गांव को वोट। अब यहाँ पर सीसर गांव से हमारे एक और बुजुर्ग राम राम ताऊ। राम राम भाई। के नाम है कपूर। पूरा हंगार पूरा जोश दिखा रहा है। डेढ़ साल हो गया जोश दिखा रहे, हरकत में उठे हो। राम जी का पूरा काम भी पूरा पूरे कर दो, पूरे 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 वोट आऊंगे। चिंतागढ़ की जल्द को निशी से पूरे वोट देगा। तो दर्शक साथियों आपने देख लिया रुझान, मैं तो ये समझता हूँ शायद जिस प्रकार से इनको गांव-गांव समर्थन मिल रहा है, एक दिन पहले गंगानगर का समर्थन था, कल खेड़ी गांव से भी काफी समर्थन मिला, आज सीसर गांव में है, उससे पहले भरण गांव ने भी अच्छा समर्थन दिया है। तो लगातार एक लहर सी चली हुई है कि साफ स्वच्छ विकास और कर्मठ जो युवा हमारे सतीश भाई राठी जो गांव बड़म्बा से हैं, उनको एक बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। और इनका जो चुनाव निशान है वो जग का निशान है, आने वाली 9 तारीख को, आने वाली 9 तारीख को मतदान के दिन भविष्य आप सब मतदाताओं के हाथ में रहेगा कि विकास को गति देते हैं या अन्य तरफ जाते हैं, वो सब आपके तरफ होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।